आदिवासी अधिकारों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने खनन कानून में एक बड़ा संशोधन किया है। इसके तहत एक डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड बनाया गया है। इस फंड के माध्यम से ये व्यवस्था की गई है कि देश के जो भी खनन वाले राज्य हैं, वहां के लोगों को भी उनकी जमीन से होने वाले लाभ का हिस्सा मिले। केंद्र सरकार के फैसले के बाद, इस एक निर्णय के कारण उड़ीसा को भी 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि प्राप्त हुई है। कितने? 4000 करोड़। लेकिन मुझे आज दुख के साथ कहना है, ये आप लोगों के लिए पैसा है, उड़ीसा के आदिवासियों के लिए पैसा है, जहां खनन होता है उस इलाके के विकास के लिए पैसा है। लेकिन दुख की बात है, 4000 करोड़ में से यहां की सरकार बहुत कम पैसा खर्च कर पाई है। वो पैसा वैसा का वैसा पड़ा हुआ है। ओडिशा की सरकार को चाहिए कि आदिवासी हितों के लिए जो ये प्रावधान किया गया है, उसका भरपूर लाभ लोगों को दिलाएं।